नमस्कार दर्शकों, चुनावी वेला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपिका। तो आज हम आए हैं वार्ड नंबर 7 में, जहां से चेतन लखनपाल जो हैं वो यहां से प्रत्याशी हैं। तो इनकी मिसेज जो हैं वो पहले भी 2 बार जो हैं वार्ड परिषद के रूप में इस वार्ड में कार्य कर चुकी हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी और क्या उनको चुनावी चिन्ह मिला है। नमस्कार सर, एचओडी में आपका स्वागत है। सर, आपकी क्या प्राथमिकताएं जो हैं वो रहेंगी? मेरी वार्ड 7 के अंदर प्राथमिकताएं रहेंगी। हमारे वार्ड 7 के अंदर एक तो सबसे बड़ी प्राथमिकता की रोड की है। थोड़ा सा रोड हमारे जो है ड्यू टू कोविड की वजह से रुके हैं, वो टेंडर पड़े थे, उसके बाद वो कार्य नहीं हो सका। उस कार्य को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। उनमें टाइलों का कार्य है जो पूरा होना है, तो कुछ जगह पे पूरा हो चुका है, कुछ जगह पे जगह खाली पड़ी हुई है, तो उसको हम सबसे पहले करवाएंगे। दूसरा कार्य हमारा सामुदायिक भवन है, बनाने की मांग थी हमारे नागरिकों से, बाढ़वासियों से। साथ की जो समस्या रही है वो कहते हैं कि हमें एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर एक सामुदायिक भवन बना दिया जाए, लेकिन उसकी समस्या क्या है कि वहाँ पे हमें ज़मीन जो नहीं मिल रही है। तो इसको हमने सरकार के पिछली बार सरकार के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा है। अभी तो भी ये मामला विचाराधीन है। जैसे ही हमें वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध होगी तो हम नगर परिषद की तरफ से सामुदायिक भवन बनाने की कोशिश करेंगे। एक हमारे नगर परिषद जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है उसके बीच में एक पुलिया है जो आपस में कॉलोनी को जोड़ते हैं, वो पुल जो है काफ़ी जर्जर हो चुका है। वो पिछली बार भी मेरी धर्मपत्नी निर्मला लखनपाल जी यहाँ से वार्ड पार्षद थे, तो उन्होंने सरकार के समक्ष नगर परिषद के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन ये कुछ बात सिरे नहीं चढ़ पाई। इसको भी हमने सरकार के विचाराधीन रखा गया है और इसको भी अगर जैसे ही हमें इसकी अनुमति मिल जाती है तो हम इस पुल का भी निर्माण कराएंगे। और हमारे कुछ बाढ़ में कुछ नालियाँ, कुछ डंगे और कुछ थोड़ी गलियाँ थोड़ी रह गई हैं कार्य के लिए, उनको पूरा करवाएंगे। वैसे मेरा जो वार्ड है वो काफ़ी प्रबुद्ध नागरिकों से भरा पड़ा है और ये हमारे यहाँ जो चौक जो है हमारे वार्ड में, गांधी चौक हो गया, अपना मृदुल चौक हो गया, दयन चौक हो गया, एसडीएम चौक हो गया, देवपाल चौक हो गया, पेट्रोल पंप चौक है, हाउसिंग बोर्ड में 2 चौक हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे मृदुल चौक और देवपाल चौक में जो जिनके नाम से हमारा देवनगर वार्ड नंबर 7 पड़ा है, उनको कांस्य प्रतिमा लगाई जाए इनके ऊपर। ये भी हम नगर परिषद से मांग करेंगे। और हाउसिंग बोर्ड में जो एक मेन चौक है उसको अच्छे से संवारा जाए ताकि शहर को देखने के लिए सुंदरता मिले और शहर में आने वाला हर व्यक्ति याद करेगी हम नगर परिषद हमीरपुर में आए हैं। ये हमारी प्रार्थना करेगी। सर, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन है। और जो मैं अपने प्रबुद्ध नगर बाढ़ देवनगर के साथ के नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि स्विंग मशीन पर 10 तारीख को यानी 10 जनवरी को 3रे नंबर का बटन दबाकर मुझे विजय बनाए ताकि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके विचारों को, आपके कार्यों को प्राथमिकता देता हुआ सरकार के समक्ष, नगर परिषद के समक्ष रखूं और संपूर्ण कार्य करूं। सर, आप जैसे प्रचार कर रहे हैं तो उस दौरान क्या लोग जो हैं समस्याएं आपके समक्ष रख रहे हैं और किस तरह सा सहयोग है आप? नगर परिषद में या नगर देवनगर में वार्ड 7 में जो हम प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ से 10 वर्षों तक मेरी धर्मपत्नी पार्षद रही है। मेरे नगरवासियों ने देवनगर के वार्ड 7 के नगरवासियों ने, जो प्रबुद्ध जनता है, उन्होंने हमें बहुत प्यार स्नेह और ईमानदारी से काम करने का हिम्मत दी है और उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमें हमारा साथ दिया है। उनके सहयोग उनके प्रेरणा स्रोत से हम आगे बढ़े हैं। मेरी धर्मपत्नी निर्मला लखमल आगे बढ़ी है, तो इसी मैं चाहता हूँ यही प्रेरणा स्रोत से और कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे नागरिक हैं वो हमारा सहयोग करेंगे और हमें अपना वोट, कीमती वोट देंगे और हम उनका कार्य जो है हस्में करेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 7 के चेतन लखनपाल जी।